बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज जो हम चर्चा करेंगे और वीडियो शेयर करेंगे, मशहूर खूबसूरत अपने ज़माने की बहुत ही मल्टी टैलेंटेड, बहुत ही अच्छी हाइट वाली हीरोइन पूजा बेदी जी के बारे में, जो कि काफ़ी लोग उनके बारे में कुछ सुनी और अनसुनी कहानी जानेंगे अभी। तो दोस्तों, पूजा बेदी 90s दशक की सबसे बोल्ड अभिनेत्रियों में से एक थी। इन्होंने अधिकांश फिल्मों में बिकनी का शॉट दिया। पूजा बेदी ने कुछ ज़्यादा फिल्में नहीं की, बस कुछ गिनी चुनी फिल्मों में ही काम किया है। इन्होंने हिंदी फिल्मों में 90-91 में कदम रखा। इनकी पहली जो फिल्म आई थी वो विष कन्या थी, जो 1991 में आई थी। पूजा बेदी की सबसे ज़्यादा मशहूर फिल्म थी वो जो जीता वही सिकंदर। इस फिल्म में आमिर खान और दीपक तिजोरी थे। वो जो जीता वही सिकंदर में बेहतरीन काम के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड भी मिला, और उसमें आमिर खान भी थे। इनकी फिल्मी सफ़र ज़्यादा लंबी नहीं रही दोस्तों, कुछ गिनी चुनी फिल्मों में ही काम किया। इसके बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से दूर चली गई, लेकिन इनके पिता एक बड़े कलाकार थे, कबीर बेदी, जिनका फिल्म इंडस्ट्री में लंबा सफ़र रहा, बहुत सी फिल्मों में काम किया। तो दोस्तों, इनका जो जन्म है वो 11 मई 1970 मुंबई में हुआ, और ये एक्ट्रेस हैं। इनकी जो मदर का नाम है वो है स्वर्गीय प्रतिमा बेदी, और इनके पिताजी कबीर बेदी, वो तो पता ही है। इनकी जो बेटी का नाम है वो है आलिया फर्नीचर वाला, और पूजा बेदी के बेटे का नाम है उमर इब्राहिम फर्नीचर वाला। तो इनके पूजा बेदी का जन्म जो है वो 11 मई 1970 को हुई। इनके पिता का नाम कबीर बेदी है, जो एक बड़े अभिनेता रह चुके हैं और बहुत सारे फिल्मों में, हिट फिल्में उन्होंने दिया है। तो पूजा बेदी की माता का नाम प्रतिमा बेदी, जो एक शास्त्रीय नृत्यांगना रह चुकी थी। पूजा बेदी की शुरुआती पढ़ाई लिखाई मुंबई के ही स्कूल बेसेंट मॉन्स्टर स्कूल से हुई। फिर इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उनके परिवार वालों ने उनको विदेश भेजा। 1997 में पूजा बेदी ने 26 वर्ष भाई सिद्धार्थ ने आत्महत्या कर ली, और अगले ही साल हिमालय की तीर्थ यात्रा पर रास्ते में भूस्खलन होने की वजह से इनकी माँ प्रतिमा बेदी की भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से इनका जो है पर्सनल लाइफ थोड़ा सा ट्रेजेडी रहा। और पूजा बेदी का फिल्मी करियर शुरुआत जो रहा 1991 से लेकर 1994 तक। पूजा बेदी हिंदी फिल्मों में काम किया। सबसे ज़्यादा मशहूर फिल्म थी जो जीता वही सिकंदर, जिसमें आमिर खान और दीपक तिजोरी थे। इन्होंने शायद कई आर्टिकल भी लिखी। इसके बाद इन्होंने एंकरिंग का भी काम शुरू किया, कई टीवी शो में होस्ट भी किए। शुरुआती जीवन में तो इनका बहुत कुछ अच्छा नहीं रहा, और जब तक वो बच्ची थी वे अपने माता पिता से बचपन से दूर हो चुकी थी। पिता कबीर बेदी का जो है वो कुछ पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम थी, जिनकी वजह पर कुछ जो है सो प्रॉब्लम भी हुई थी। सन 1991 में जग मुंद हरा फिल्म में, विष कन्या फिल्म में पूजा बेदी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की। जो जीता वही सिकंदर के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड भी मिला, और 1993 में आई लुटेरे में, 1995 में आतंक ही आतंक, धीरे धीरे फिल्मों से ये दूर चली गईं। इसके पीछे वजह यही रही कि अधिकांश अभिनेत्री शादी कर लेती हैं और फिल्मों से किनारा कर लेती हैं। इनकी जो शादी हुई, इनके पति का नाम फरहान इब्राहिम फर्नीचर वाला, 6 मई 1994 को हुई। दोस्तों, इनकी जो कुछ फिल्में हैं जिसमें विष कन्या, जो जीता वही सिकंदर, लुटेरे, फिर तेरी कहानी याद आई, आतंकी आतंक, शक्ति और कॉमेडी कपल, इसमें ये इनकी कुछ फिल्में हैं। और टीवी शो की बात करें तो झलक दिखला जा, नच बलिए, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, माँ एक्सचेंज और मसावा मसावा। फरहान इब्राहिम फर्नीचर वाला पारसी और खोजा वंश का एक गुजराती मुस्लिम है। शादी के बाद पूजा बेदी ने इस्लाम कबूल कर लिया था। इनका नाम नूर जहाँ रखा गया था। फरहान इब्राहिम फर्नीचर वाला से मुलाकात 1990 में हुई, और शादी से पहले ही इन्हें दो बच्चे भी हुए, आलिया फर्नीचर वाला और उमर इब्राहिम, जिनका कि जन्म 2000 में हुआ। 2003 में इनका डिवोर्स भी हो गया। इसके बाद ये सिंगल ही बच्चों को पालने लगी। बीच में कई और लोगों के साथ भी इनका कुछ चर्चा में रही, तो वो सबसे ये बाहर आ गईं। पूजा बेदी फिल्मी दुनिया से निकलने के बाद बिग बॉस में भी शामिल हुई थी। इसके बाद खतरों के खिलाड़ी में भी नज़र आईं। पूजा बेदी ने बहुत कुछ एडिटिंग कंपनी में भी काम किया, नच बलिए में भी भाग लीं, और 2006 में झलक दिखला जा में भी पार्टिसिपेट की थी। और
दोस्तों इनको जो बुक पढ़ना अच्छा लगता है वो महात्मा गांधी की जीवनी, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह इत्यादि की जीवनी ये पढ़ती रहती हैं। तो दोस्तों ये जो थी वो पूजा बेदी की कुछ सुनी और अनसुनी कहानी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सभी को ये वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।